इनईक्वेलिटी का मतलब हमारे पास अच्छा एक चीज और ये सिन बोर्ड में पेज नंबर है नाइन एंड आगा खान और फेडरल की जो बुक है उसमें है पेज नंबर फोर्टी टू राइट ये आप देख लेगा लाइक इस वाली बुक में ये पेज नंबर फोर्टी टू है और बोर्ड एज यू नो वेरी वेल उसमें पेज नंबर नाइन है ठीक है जी आगे बात समझ में अच्छा जी अब ये इनइक्वेलिटी इनइक्वेलिटी से ही देखेंगे हमारे पास पता चल रहा है क्या इसमें हमारे पास ए की और बी की वैल्यू ग्रेटर देन भी हो सकती है लेस देन भी हो सकती है और इक्वल्स भी हो सकती है राइट यानी कि थ्री प्रॉपर्टीज यूज होंगी ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल्स ठीक है जी ये बात याद रखिएगा क्योंकि इन है ना अगर इक्वल होता तो क्या क्या बताया था मैंने आपको सब हमारे पास क्या होंगे इक्वल होंगे राइट right? ठीक है जी अच्छा जी अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कैसा नाम है ना अजीब सा आप भी कह रहे होंगे कि कैसा नाम है क्या करें हम भी जब पढ़ते थे हमें भी यही लगता था कि ऐसे अजीब से नाम है ना अच्छा जी खैर प्रॉपर्टी क्या करेंगे हमारे पास ट्राई मीन्स क्या है थ्री यहाँ पे क्या हो रही है थ्री चीजों की बात होगी ठीक है थ्री यानी के ए बी सी लाइक दिस ठीक है थ्री वैल्यूज ले, ले लें आप ठीक है अब क्या कह रहे हैं करें इफ क्या कह रहे हैं हमारे पास इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर क्या ए कॉमा बी कॉमास बिलोंग्स टू रियल नंबर ए लेस देन बी और या फिर right? ये थ्री प्रॉपर्टीज आ रही है ना हमारे पास सो हैव टू कॉल ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी राइट गई बात समझ में नंबर सेकेंड सेकेंड हमारे पास क्या कहा जा रहा है सेकेंड हमारे पास कह रहे हैं ट्रॉजिटिव प्रॉपर्टी राइट क्या कह रहे हैं ट्रांजिटिव ट्रॉजिटिव प्रॉपर्टी ट्रॉजिटिव प्रॉपर्टी ठीक इसमें क्या कहा जा रहा है लुक इफ इफ ए कॉमा बी कौमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर वॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर देन अब यहां पर क्या होगा भाई देखिए कह रहे हैं फर्स्ट में हमारे पास बता रहे कि ए अगर हमारे पास यानी कि लेस देन बी हो ठीक है जी अगर लेस देन हो एंड बी क्या हो जाएगा बी भी लेस देन सी यानी कि सी भी हमारे पास लेस देन होगा इम्प्लाइज दैट और ए भी हमारे पास लेस देन हो जाएगा किसके सी के ठीक आगे बात समझ में यानी कि ए की वैल्यू तो हमारे पास इक्वल होगी ठीक है जी यानी कि ये दोनों बट ये जो सी है यहाँ पे भी ये देखेंगे लेस हो रहा है यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है हमारे पास लेस देन हो रहा है ठीक अब बी में क्या कह रहे हैं हमारे पास ए ग्रेटर देन बी अगर ए ग्रेटर देन हो बी एंड तो वही बी ग्रेटर देन हो जाएगा सी से और इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन हो जाएगा सी के ठीक आ गई बात समझ में राइट right? ठीक है जी यहाँ पे ये चीजें यूज हुई हैं यानी कि ये बता रहे हैं क्या ए अगर हमारे पास लेस देन है बी के तो बी हमारे पास यानी कि सी लेस देन होगा किसके बी के और सी लेस देन हो जाएगा किसके ए के अगर ए ग्रेटर देन होगा तो ये भी क्या होंगे दोनों ग्रेटर देन होंगे ठीक राइट देन थर्ड वन इज थर्ड वन हमारे पास क्या कह रहे हैं थर्ड वन कह रहे हैं हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी राइट एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रहे हैं इफ अगर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सो यहाँ पे क्या होगा अच्छा एडिटिव है ना जल्दी से बताएंगे एस वोट एडिटिव नाम से ही है जाहिर तो प्लस का साइन आएगा ना क्या कह रहे हैं आप प्रॉपर्टी में लुक ए अगर हमारे पास बी लेस देन हो जाए तो क्या करेंगे इम्प्लाइज देट तो क्या करेंगे ए प्लस सी ठीक है जी लेस देन हो जाएगा हमारे पास क्या बी प्लस सी एडिटिव की बात हो रही है ना तो इसलिए थर्ड जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारे पास प्लस होगी क्या होगी हमारे पास प्लस होगी ठीक और फिर अगर लेस देन की बात हो जाए जल्दी से बताएं इम्प्लाइज दैट क्या जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं मुझे क्या हो जाएगा ए प्लस सी यही रहेगा बस यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा लेस देन कार ये ग्रेटर देन कार है ठीक और क्या हो जाएगा बी प्लस सी राइट आगे बात समझ में ये देखिए अभी ये आप जो है ना ये एग्जाम्पल वगैरह ये सारी चीजें ये पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो ये क्या बात कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी आगे एग्जाम्पल जो है ना इसकी सॉल्व कर सकते हैं बट यहाँ पे मैं आपको चाह रही हूँ ये मैं अच्छे तरीके से ना गाइड करूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ठीक ये क्या कहलाएगी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी राइट राइट आगे बात समझ में ठीक एडिटिव है तो इसलिए देखें सी हमारे पास क्या हो रहा है बोथ साइड पे प्लस हो रहा है राइट right? अब आ जाए मल्टीप्लीकेटिव अब मल्टीप्लीकेटिव में क्या होगा अंडरस्टूड सी बात है मल्टीप्लीकेटिव नाम से ही आ रहा है हमारे पास क्या जल्दी से बताए मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव में हमारे पास क्या आ रहा है नाम से ही आ रहा है क्या इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर राइट एंड सी हमारे पास क्या हो जाएगा क्या है कि ग्रेटर देन है जीरो से देन क्या हो जाएगा भाई जल्दी से बताएं ए क्या कह रहे हैं हमारे पास ए अगर ग्रेटर देन बी हो तो क्या करेंगे ए सी हो रहा है तो ग्रेटर देन ही आएगा बी सी राइट और अगर ए लेस देन हो बी से तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा ए सी तो क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन हो जाएगा बी सी के ठीक है जी देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे हम एडिटिव की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की बात हो रहे हैं तो क्या करें मल्टीप्लाई ठीक है सो दैट्स वाई वी हैव टू कॉल मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर राइट आ गई बात समझ में देन फिफ्थ वन इज क्या कह रहे हैं हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोकल हाँ रेसी माने क्या होता है ये जल्दी से बनाए रेसी प्रोकेटिव केटिव प्रॉपर्टी क्या होगा भाई जल्दी से बताएं ये हमारे पास होगा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्या आ जाएगा ये हमारे पास ए कॉमा बी आर ऑफ सेम साइन सेम साइन हो यानी ठीक है जी देन सेम हमारे पास क्या हो साइन हो गलती सॉरी साइन देन क्या हो जाएगा हमारे पास इफ यानी कि बी हमारे पास लेस देन हो तो इंप्लाइज दैट वन अपॉन ए क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं अच्छा यहां थोड़ा सा पॉजिटिव में आ रहा है देखें बी आ गया ठीक है जी एंड इफ वन अपॉन ए न अपाउन बी कि बी अगर ग्रेटर देन हो तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी अब ये जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसको हम समझेंगे राइट अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं इफ ए हमारे पास क्या हो लेस देन बी हो तो क्या हो जाएगा ये वन a लेस देन वन अपाउन बी एंड इफ वन अपाउन ए क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं लेस देन वन अपाउन बी एम्प्लाइज दैट ए क्या हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा ए हमारे पास लेस देन हो जाएगा किसके बी के राइट right? तो देखें रेसीप्रोकल रेसिप्रोकेटिव है ना रेसीप्रोकेटिव मानी होती है पलट जाना कोई भी चीज को हम पलट देते हैं जैसे ये वन वन अपॉन ए है तो ये रेसीप्रोकल हो जाएगा लाइक ये हो जाएगा ए राइट right? ये होता है यानी कि ये पलट जाना ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना ये यहाँ आ जाता है ठीक तो रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट right? क्या कह रहे हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर क्या कहेंगे एंड ए बी आर ऑफ सेम सेम साइन साइन यानी कि होगा लाइक like अगर ए हमारे पास क्या हो रहा होगा जल्दी से बताएं लेस देन ठीक है जी तो वन अपाउंड ए हमारे पास क्या हो जाएगा यानी कि ये ग्रेटर देन होगा इसके फिर आगे प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं जब ये लेस देन होगा तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा ग्रेटर देन राइट अब ये लेस देन है ठीक ये ग्रेटर देन है अब ये ग्रेटर देन है यानी कि बी हमारे पास क्या छोटा ए से ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस ठीक है यानी कि वन अपाउंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन हो जाएगा छोटा आएगा ठीक है ए बड़ा होगा फिर क्या होगा फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बी छोटा हो जाएगा यानी कि ये थोड़ा सा हम इसको जब एग्जाम्पल के जरिए यानी कि आगे एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपकी इन ये मे बी क्लियर हो जाएगा इनशाला ठीक है बस ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा अपोजिट है ठीक है यहाँ पहले पहले सेम आ रहा था ना अब सेम नहीं आ रहा अब क्या आ रहा है ये जैसे ये लेस है तो ये ग्रेटर होगा ये ग्रेटर है तो ये लेस होगा बस ये ट्रिक है यहाँ पर ठीक है रेसी प्रोकेटिव प्रॉपर्टी की राइट आ गई बात समझ में सिक्स वन क्या कह रहे हैं हमारे पास एव कैंसिलेशन क्या कह रहे हैं कैंसिलेशन ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है हमारे पास राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर अच्छा सी भी है ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर राइट तो क्या करेंगे अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पे फोर आ रही है हमारे पास क्या क्या ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन आ गया बी प्लस सी के तो इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन बी क्योंकि कैंसिलेशन की बात हो रही है कैसे कैंसिलेशन की बात हो रही है जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो वो यहाँ पे माइनस भी तो करेंगे ना तो कैंसिलेशन हो जाएगी यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा राइट right? बी क्या कह रहे हैं बी हमारे पास अगर ए प्लस सी हमारे पास क्या हो ग्रेटर देन हो क्या बी प्लस सी है तो क्या हो जाएगा ये भी जल्दी से बताएं ग्रेटर देन बी हो जाएगा राइट right? और अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो अच्छा ये बताएं एडिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही थी क्या एडिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है क्योंकि हम दोनों साइडों पे क्या है प्लस का मार के याद रखिएगा प्लस का साइन है अब यहाँ पे क्या हो रहा है अगर ए सी हमारे पास लेस देन हो तो बी सी एम्प्लाइज देट क्या हो जाएगा हमारे पास ए जल्दी से बताएं ग्रेटर देन हो जाएगा बीस के वेयर क्या आ जाएगा यहाँ जल्दी से बताएं वही मल्टीप्लीकेटिव की प्रॉपर्टी यूज हो रही है सी हमारे पास किसके ग्रेटर देन होगा भाई जीरो के ठीक डी क्या कह रहे हैं हमारे पास लाइक ए सी अगर हमारे पास क्या हो लेस देन हो बी सी के तो जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा तो ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा बी के ठीक है जी वेयर यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा सी ग्रेटर देन ही होगा जीरो के राइट right? ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी याद रखिएगा ये एडिटिव है ग्रेटर देन ये एडिटिव है लेस देन लेस वाली ठीक है लेस देन वाली ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है ग्रेटर देन ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है लेस देन ठीक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी मैं एक्सरसाइज और आपकी जो भी कंफ्यूजन वगैरह होगी जो भी अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ये मैं सारा क्लियर करवाऊंगी आपसे और बताऊंगी ये देखें ये किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे ठीक है जी इंशाल्लाह अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और जब भी आपको कोई मसला या कोई परेशानी हो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करूंगी अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स या कोई भी मसला हो या कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो या कोई भी टॉपिक आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़